असलकुम मेरा नाम है जिशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे सवाल के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अच्छी बातें पूछना लेकिन इसका कोई ना कोई फ्रेमवर्क ज़रूर होना चाहिए तो सोचा कि जो भी फ्रेमवर्क के सवालों सवाल होगा वह मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ सवाल पूछा सबसे पहले अपने आप से जाना चाहिए जितने सवाल अब अपने आप से पूछ सकते हैं और किसी से नहीं पूछ सकते और जवाब भी आपको देना है तो ना जवाब के लिए किसी का वेट करना है ना इंतज़ार करना है अपने आप से ज़रूर सवाल पूछना चाहिए सबसे पहला सवाल तो यही है कि वाई डू वी एग्ज़िस्ट इन द फर्स्ट प्लेस दुनिया में आए ही क्यों हैं भेजे ही क्यों गए इस सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो यकीन जानिए आगे के तमाम सवालत उन तमाम सवालों के जवाब बेमाने हैं कोई उनकी ज़रूरत नहीं है अगर आपको यही नहीं पता कि बनाए क्यों गए और आए क्यों हैं अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि मैंने इंसानों जिनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और रिस्क नहीं इसका वादा तो हमने उनसे कर दिया है इसका मतलब ये हुआ आप ज़िंदगी में जो भी काम करें वो किसी न किसी तौर पर आपको अल्लाह सुबह वाल से करीब करें अगर वो अल्लाह की इबादत से अल्लाह की रज़ा से अल्लाह की मशीत से आपको दूर करता है तो कोई अच्छी बात नहीं है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर लाइफ इस्पेंड की जाए सवाल खुद झाड़ी की तरह होते हैं जो अपने आप उगते चले जाते हैं मसला ये नहीं है कि सवाल आते हैं हर वो शख्स जो सोचता है सवाल पूछता है हर वो शख्स जो सुनता है देखता है चलता है फिरता है ऑब्जर्व करता है ज़िंदा है सवाल पूछता है सवाल के ऊपर कंट्रोल कोई नहीं होता आप में से कोई शख्स नहीं बता सकता हम में से कोई शख्स नहीं बता सकता कि अगले दस सेकेंड के बाद मेरे दिमाग में क्या सवाल आएगा और क्या सोच आएगी मैं आपसे यूट्यूब पर यहाँ बात कर रहा हूँ मेरा दिमाग अमरीका में कहीं घूम रहा है आप ये सुन रहे हैं आपका दिमाग कल के पाकिस्तान के टी के मैच में लगा हुआ है हमें कुछ नहीं पता होता आने वाली सोच कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है तो सवाल तो उठते रहते हैं मसला सवाल का नहीं है मसला ये है कि सवाल किस वक्त पूछा जा रहा है क्यों पूछा जा रहा है किससे पूछा जा रहा है और उस सवाल का जो जवाब मिलेगा उसको आप किस तरीके से स्टोर करेंगे हम में से हर शख्स सवाल पूछता है किसी भी फ्रीलांस के इवेंट पे चले जाए कोई भी बड़ा शख्स आके बात करने लगे तो क्लास में हर बच्चे के पास चार सवाल होते हैं अगले दिन आप उनसे पूछें कि वो सवाल क्या थे जब आप तो दूर की बात है वो सवाल भी किसी को याद नहीं होते हम सवाल बरए सवाल पूछ रहे होते हैं मेरे एक वो कहते हैं कि तीन चीज़ें कभी साथ नहीं होती तनकीद और नफ़ा हुसन और वफा जहानत और हार्ड वर्क और हार्ड वर्किंग अगर आप किसी पर तनकीद करें कि आपने ये भी खड़ब किया ये भी काम गलत किया ये भी काम गलत किया है तो वो आपको नफ़ा नहीं दे सकता आप टोल प्लाजा वाले के पास जाएँ उससे बहस करने लग जाएँ और चाहें कि वह आपका टोल प्लाज़ा माफ़ कर दे टोल के पैसे ना ले तो ये भी नहीं हो सकता आप घर पर जाके बीवी बच्चों से लड़ें और चाहते हैं फिर आपको अच्छा खाना पकावा मिल जाए सुकून मिल जाए ये भी नहीं हो सकता जो जिसमें हुसन होता है उसमें नखरा होता है उसको पता होता है कि मेरे पास लाइन में दस और खड़े में आपकी परवाह नहीं होती तो जो हुसन है वो आजी के साथ जमा नहीं होता जो बंदा ज़हीन होता है वो काम चोर भी होता है उसको पता है कि आपने जो काम साल भर की तैयारी से करना है उसकी एक रात की मारे वापस अच्छे नंबर ले लेगा अगर जमा हो जाए फिर बंदा इमाम राजी इमाम गजाली बनता है वो अलग बात है तो सवाल ज़रूर पूछें टाइमिंग ठीक कर लें आपको कहते हैं आप किताब पढ़ लें दो सौ रुपये की तो आपका सवाल होता है इसे में क्या मिलेगा कैसे मैं बीस लाख रुपये कमा सकूँगा क्या मैं इसमें तरक्की कर सकूँगा भाई ये सवाल तो आपको जब पूछना था ना जब आप स्कूल में गए थे जब आप यूनिवर्सिटी में गए थे और चार साल पढ़ रहे थे और आप बीस लाख रुपये फ़ीस जमा कराई थी ये सवाल आपको उस टीचर से पूछना चाहिए था जो टाइम ज़ायर करता रहा लेकिन आप सिर्फ नंबर्स में इंटरेस्टेड थे आप बोलते ठीक है यार अच्छा है सीन ऑन है लाइफ चिल है जाने दो जाने दो डबल है अब आपको जॉब नहीं मिल रही तो उस बीस लाख का रोना आपको नहीं है उस यूनिवर्सिटी से आपने कोई सवाल नहीं पूछता जो शख्स आपको बोल रहा है कि ढाई पाँच सौ रुपये की किताब पढ़ लो आप उससे सवाल पूछते हैं हमने उसकी टाइमिंग आगे पीछे कर दी है सवाल किससे पूछना चाहिए ये भी बड़ा ज़रूरी है आपका जूता ख़राब है तो हम उचित सवाल पूछेंगे आपको तरबियत करनी है तो आप माँ बाप के पास जाएंगे मेंटर के पास जाएंगे आप कोई शख्स गलती से अगर आपके हाथ हो जाए तो दुनिया के सारे सवाल आप उससे पूछते हैं आपकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद है वो भी आप उसी से पूछेंगे दीन में कहीं कहीं नहीं रहे वो भी उसी से पूछेंगे दुनिया में कुछ नहीं कर पा रहे वो भी सवाल उससे पूछेंगे हर सवाल हर शख्स से नहीं किया जाना चाहिए कमजरफ आदमी से सवाल पूछना अपनी भी तोहन है उस शख्स को भी मुसीबत में डालना है सवालों का कोई वक्त नहीं होता जवाब का वक्त होता है मेक्सिको क्या वहाँ कहावत लिखी हुई थी कि टीचर अपेयर्स वन स्टूडेंट इज रेडी आप रेडी हो जाएं अपने आप पे मेहनत करें देखिए जब बच्चा जवान होता है ना तो जाके माँ बाप को बताना नहीं पड़ता कि जी मैं जवान हो गया हूँ मोहल्ले वाले आके बता जाते हैं कि जी आपके बच्चे की हरकतें सही नहीं है इसका कुछ करें अपने पे काम करते रहें खामोशी से अपने आप पे लगे रहें अपने ऊपर काम करते रहें जिस दिन आप किसी काबिल हो जाएंगे कुदरत आपसे काम खुद ब खुद ले लेगी आपको जाके किसी पर सवाल नहीं पूछना पड़ेगा सवाल पूछें उस शख्स से जो इसका अहल हो जो साहेब राय हो ये पहले भी बता चुका हूँ जो शख्स साहेब दुआ नहीं होता वो साहेब राय भी नहीं होता आप में से बहुत से बच्चों का सिर्फ अगर मैं लैपटॉप देख लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि उनका टाइम किधर गुजर रहा है ये कुकीज़ होती ना ये भी हमारे मेंटर का, का काम करती हैं आप YouTube के ऊपर जाएं YouTube.com लिखें अब अगर वो सारे गानों की वीडियोस दिखा रहा है तो इसका मतलब आप सुबह शाम वही सर्च करते रहें उल्टी सीधी वीडियोज़ दिखा रहा है अगर एंटरटेनमेंट की इसका मतलब आप वही सर्च करते रहें वो सारे बयान या आप स्किलिंग वीडियो दिखा रहा है इसका मतलब वो सर्च करते रहे आपके गूगल के रिजल्ट आपकी नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन आपकी अमेजान की रिकमेंडेशन आपकी ऑनलाइन रिकमेंडेशंस, आपकी यूट्यूब की चेच हिस्ट्री ये तमाम जो कुकीज़ रख छोड़ी है ना ये सारी आपकी मेंटर बन गई हैं जिस तरह अच्छे और बुरे दोस्त होते हैं इस तरह अच्छी और बुरी कुकीज़ भी होती हैं जो आपकी सोबत होती है उसी डायरेक्शन में वो आपको लीड करती हैं जैसे आपकी सोबत होगी ये ऑनलाइन डिजिटल वही आपके सवाल आएंगे और उसी डायरेक्शन में आप जा रहे होंगे तो सवाल ज़रूर पूछिए सबसे पहले अपने आप से कि आप आज इस जगह पर हैं वहाँ पर क्यों हैं जब इसका जवाब मिल जाए फिर आप बिल्कुल हक़ रखते हैं आप आगे सवाल भी पूछिए और जवाब भी ढूंढिए। उम्मीद है सवाल की इस वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल पे आप जरूर गौर करेंगे मेरी बातें सुनने का शुक्रिया मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी